नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अफ्रीका महाद्वीप पर मिले सबसे पुराने बैरियल साइट के बारे में। एक 3 साल के बच्चे का कंकाल डिस्कवर किया गया है जो अफ्रीका का सबसे पुराना डिस्कवर्ड कंकाल बन चुका है। 80,000 साल पुराना ये है। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कहाँ पर ये पाया गया, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। इसकी डिटेल्स को हम जानेंगे इस लेक्चर में। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर 4-in-1 ऑफर को कंटिन्यू रखा है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको लेक्चर के अंत में मिलेगी, सो स्टे बैक। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने केन्या में एक डिस्कवरी करी है जो एक 3 साल के बच्चे का कंकाल है और ये अफ्रीका में पाया गया अभी तक का सबसे पुराना इंसान का, ह्यूमन का बैरियल है। 80,000 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली इसकी एज बताई गई है, 78,000 टू बी प्रिसाइज, 78,000 ईयर पुराना है ये और इसकी उम्र बताई जा रही है 2.5 से 3 साल के बीच में। और ये केवल ऐसा नहीं है कि रैंडम कोई कंकाल मिल गया है उन्हें, इसे अच्छी तरीके से दफनाया गया था। इसको एक पोजीशन में लिटाया गया था और एक कपड़े में लपेट कर इस बच्चे को इस प्रकार से ये लिटा कर इसको कब्र में दफनाया गया है। तो ये इसका एक आर्टिस्टिक डिपिक्शन है। ऐसी बॉडी नहीं मिली है, ऑफकोर्स इतने हजारों साल पुरानी बॉडी ऐसी नहीं मिल सकती है। हमें तो क्या मिले हैं, अभी हड्डियां मिली है, कंकाल मिला है, लेकिन उसका जो अरेंजमेंट था वो कुछ इस प्रकार का था। अगर एक आर्टिस्ट के डेफिनेशन में हम देखें तो इस प्रकार से उस बच्चे को सुलाया गया था, लिटाया गया था और फिर उसको दफनाया गया था। ये डिस्कवरी हुई है केन्या देश के पंगा या सईदी केव में। तो ये इस जगह का नाम है पंगा या सईदी केव। इसकी लोकेशन है यहाँ पर केन्या में, दक्षिणी केन्या में, मोम्बासा शहर से कुछ किलोमीटर दूर, समुद्री तट से लगभग 10-15 किलोमीटर अंदर की तरफ ये पंगा या सईदी आर्कियोलॉजी केव है। इसमें कई सालों से यहाँ पर काम चल रहा है डिस्कवरीज का और भी कई यहाँ पर डिस्कवरीज हुई हैं। इस प्रकार की ये केव नज़र आती है और यहाँ पर इन्होंने एक्सकेवेशन करके इस कंकाल को डिस्कवर किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा केन्या देश पांगा या सईदी आर्कियोलॉजी केव इस जगह का नाम है या लोकेशन का नाम है। अब इस बच्चे के कंकाल को 2013 में एक्सकेवेट करना शुरू किया गया था। तो पहले इन्होंने साइड से खुदाई करनी शुरू करी, लेकिन ये इतना फ्रेजाइल था कि यहाँ से जैसे एक्सकेवेट करते गए तो ये कंकाल जो बोन्स हैं ये पूरी बिखर गई। तो फिर इन्होंने क्या डिसाइड किया कि इसको यहाँ पर एक्सकेवेट नहीं करेंगे, यानी कि इस गुफा या इस केव साइट पर एक्सकेवेट नहीं करेंगे। इन्होंने अगले 4 साल में धीरे धीरे इसको ऊपर से एक्सकेवेट किया। जस्ट इमेजिन, 4 साल लेकर एक्सकेवेट किया गया, इतनी फ्रेजाइल या फिर इतनी डेलिकेट ये वाली बोन्स थी। फिर इसको एक रिजिन मटेरियल से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करी गई, लेकिन फिर भी ये रिकवर नहीं कर सके इसको। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि ये कंकाल जिस मिट्टी के अंदर प्राप्त हुआ है ना, इसको चारों तरफ प्लास्टर ऑफ पेरिस से एक सांचे में ढाल के इसको यहाँ से उठा के ले चलो लैब के अंदर। तो इन्होंने इसके चारों तरफ मिट्टी को खोद कर इस पूरे सेक्शन को वहाँ की ज़मीन से बाहर निकाल कर ले गए लैब में और फिर वहाँ पर इसको धीरे धीरे लैब में डीकंस्ट्रक्ट किया गया, यानी कि इसकी खुदाई करी गई, एक्सकेवेशन करा गया और लैब में थोड़ा अच्छे तरीके से हो सकता है कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में खुदाई करी जा सकती है। तो इन्होंने ये सर्कुलर पिट बनाया, प्लास्टर के अंदर इसको पूरे को ग्रेव को लिया और इसको ले गए ये नेशनल म्यूजियम इन नैरोबी, लेकिन वहाँ पर भी बात नहीं बनी। तो फिर इसको स्पेशलिस्ट लैब में ले जाया गया, कहाँ, स्पेन में, यूरोप में, और वहाँ पर इसको पूरा इस पर डिस्कवरी करी गई है। और इसमें एक और इंस्टीट्यूट का नाम लिख लेना, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट है, कहाँ का, जर्मनी का इंस्टीट्यूट है, उसका भी यहाँ पर काफ़ी योगदान रहा था। आप लोग जानते हैं मैक्स प्लैंक क्यों फेमस है? अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो मुझे कमेंट में नीचे बताए कि मैक्स प्लैंक का साइंस में क्या योगदान है। तो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट है जर्मनी का, उसने भी अपना यहाँ पर काफ़ी योगदान दिया और इसकी इमेजिंग करी गई 3D एक्सरे इक्विपमेंट के माध्यम से। और ये जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारी इमेजिंग के माध्यम से फोटोज़ को डेवलप किया गया है। तो ये असली में हड्डी अब ऐसी नहीं नज़र आती है, दिस इज़ अ 3D इमेज, मतलब जो एक्सरे के बाद और उन्होंने थोड़ा सा इसके ऊपर फोटोशॉप वगैरह करके मतलब मिट्टी विट्टी बना के इस प्रकार का ये कंकाल नज़र आता। तो ये सारी जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सब 3D इमेजेस हैं जो इन्होंने बनाई हैं। तो अगर आप ध्यान से इसकी पोजीशन को देखें तो यहाँ पे नज़र डालो, ये साइड से ऊपर की तरफ से व्यू है। ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे को इसके पाँव छाती के पास लाकर इसको सुलाया गया है, लिटाया गया है। इसके हाथ ऐसे अपने गर्दन के नीचे हैं और ये जो पाँव है ये यहाँ पर छाती के पास लाए गए हैं। तो इसको अच्छे से पैक करके यहाँ पर एक कपड़े के अंदर भी लपेटा गया था और इसके सर के नीचे एक तकिए जैसी कोई चीज़ भी रखी गई थी, ये भी साइंटिस्ट ने बताया। तो ये सारी चीज़ें इस डिस्कवरी से हमें पता चलती हैं। अब इस प्रकार की कब्र या बैरियल साइट का मिलना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, खास करके एंथ्रोपोलॉजी में? देखिए, डेलिबरेट बैरियल यानी कि जब इंसान अपने मृत को एक स्पेशल तरीके से दफनाता है, ये खास बात केवल होमोसेपियंस और नियंडरथल्स की थी। आपको ये तो मालूम होगा ना कि हम इवॉल्व कैसे किए हैं, हम इवॉल्व किए हैं जो दूसरे चिंपांजीज या बंदर थे उनके पैरेलली इवोल्यूशन हुआ है और आगे चलकर हम होमोसेपियंस बन जाते हैं। तो ये एक रफ आपको मैं ट्री बता रहा हूँ, फैमिली ट्री इसको कह सकते हो आप इंसानों का। तो आप देखोगे जो पुराना इंसान था, होमिनिन्स जो थे वो नियंडरथल से पहले आते थे। देखो, हमारे सबसे नज़दीकी रिश्तेदार हैं नियंडरथल, ठीक है, जिनको हमने ख़त्म कर दिया,
40-50 हज़ार साल पहले, तो नियंडरथल्स और होमोसेपियंस ये एकमात्र ऐसे स्पीशीज थे जिनके अंदर बैरियल्स का ट्रेंड मिलता है, और किसी भी जानवर में या फिर इससे पुराना भी जो इंसान है, जो उससे पुराने होमिनिन स्पीशीज थी, उनके अंदर बैरियल साइट्स नहीं मिलती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन बन जाता है सोशल बिहेवियर का, हमारे अंदर सामाजिक बदलाव आने शुरू होते हैं होमोसेपियंस और नियंडरथल्स में, जो हमें इन बैरियल साइट से मालूम चलता है। फिर इस पर्टिकुलर साइट में जो ये 3 साल का बच्चा है, इसके पाँव इसके छाती के पास डालकर रखे गए थे, इसको एक कपड़े के अंदर श्राउड के अंदर भी रैप किया गया था, और फिर इसको इसका सर रखा गया था एक तकिए जैसी किसी वस्तु पे। तो ये बताता है कि काफ़ी ध्यान रख के ह्यूमन इमोशंस के साथ इसको दफनाया गया था। इट वॉज़ नॉट अ रैंडम कि कहीं पर कोई बच्चा मर गया और वो बस वहाँ पर प्रिजर्व हो गया है, ऐसा नहीं है, इसको स्पेशली वहाँ पर बैरी किया गया है, दफनाया गया है। बाय द वे इस बच्चे का नाम आर्कियोलॉजिस्ट ने दिया है एमतोतो, तो एमतोतो जो है वो वहाँ की लोकल स्वाहिली भाषा में बच्चे को कहते हैं, तो मतलब बस बच्चा नाम रख दिया उन्होंने, सो इमेजिनेटिव। एनीवेज, इस कंकाल की इतनी सारी हड्डियां हमें इसीलिए मिली क्योंकि इसको एक कपड़े के अंदर लपेट कर रखा गया था, तो कई हज़ार सालों तक ये बच गया। अब ऐसा नहीं है कि सारे कपड़े हज़ारों साल तक रखते हैं, हो सकता है कुछ थिक कपड़ा होगा या मतलब कुछ ऐसा मटीरियल होगा जिसके अंदर वो प्रिजर्व हो गया, और लकीली हमें ये कंकाल मिल जाता है, वरना इतने सालों के अंदर तो हड्डियां हमेशा गल जाती हैं, यानी कि पूरा वो डिकम्पोज हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है, हमें कई सारी कंकाल की हड्डियाँ अच्छी कंडीशन में मिल गई हैं, 2 दांत भी मिले हैं, और इन्हीं दांतों के बेसिस पर इसकी एज पता चलती है। तो इसकी एज जो है वो 2.5 to 3 years के बीच में बताई गई है, 2.5 to 3 years ओल्ड बेस्ड ऑन इस टीथ। ठीक है, दांत के आधार पर उम्र बच्चों में आराम से बताई जा सकती है। और ये होमोसेपियंस हैं, तो ये ऐसा भी नहीं है कि कोई नियंडरथल मैन या किसी और पुरानी स्पीशीज का है। अब ये पूरा रिसर्च नेचर पत्रिका में छपा है हाल ही में, और नेचर ने ये जो आर्टिकल है इसमें ये बताया कि इसकी कार्बन डेटिंग करने पर हड्डियों की उम्र बताई है इन्होंने 78,000 साल पुरानी, यानी 78 ± 4 इन्होंने लिया है, तो इट कुड बी 82 और इट कुड बी 74, हम एक बीच में एवरेज ही मान लो ना, 78,000 साल पुराना ये कंकाल है। पांगा या सईदी की इस केव में इस कंकाल के अलावा कई सारे औजार भी मिले हैं जो स्क्रेपिंग, बोरिंग, एनग्रेविंग यानी खुदाई वगैरह करने के काम आते थे, वो इस ग्रेव के आसपास भी मिले हैं। तो इनमें से कई पत्थर के जो टूल्स हैं वो नॉर्मल है, यानी स्टोन एज के कई साइट्स पे हमें मिलते हैं, और इनका इस्तेमाल कई बार हथियार के रूप में भी किया जाता था, यानी कि वो जो पत्थर के टूल है उनको लकड़ी के डंडे के ऊपर लगाकर उनको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। अब होमोसेपियंस ने अपने मृत लोगों के आसपास काफ़ी कॉम्प्लेक्स बिलीफ सिस्टम बना दिए, और ये बात इन्हें अपने पूर्वजों से अलग करती है। अब ये बिलीफ हर जगह अलग है, सेंट्रल एशिया में अलग प्रकार के बैरियल हैं, इसराइल में अलग प्रकार के हैं, अफ्रीका में अलग हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल कॉमन है कि कई जगह हमें बैरियल साइट्स देखने को मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि इंसान मरने के बाद के जीवन में या उसके अराउंड कुछ कॉम्प्लेक्स बिलीफ्स रखता था, कि जैसे आप में से कई लोग ये वाकिफ होंगे कि हम बिलीव करते हैं, जैसे हिंदू धर्म में ये बिलीव किया जाता है कि आत्मा अमर होती है, मरने के बाद भी शरीर खत्म हो जाता है लेकिन आत्मा अमर रहती है ना, तो वो उसके अंदर साइकिल्स होती हैं आत्मा की, उन साइकिल्स के थ्रू गुजरना होता है। तो इस प्रकार के हर धर्म के अंदर कुछ ना कुछ आज भी रिचुअल्स हैं, कॉम्प्लेक्स बिलीफ सिस्टम है अराउंड डेथ। तो उसी प्रकार से ये सिस्टम डेवलप होने शुरू हुए थे होमोसेपियंस के अंदर इसी समय के अनुसार, और इसी समय के ये जो बैरियल साइट्स हैं ये बताती हैं कि इन्होंने बिलीफ सिस्टम बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो इससे हमें काफ़ी स्पेसिफिक जानकारी मिलती है उस एरिया के लोगों के बिलीफ सिस्टम्स के बारे में। तो इन पुराने लोगों ने अपने डेथ के आसपास एक अंडरस्टैंडिंग बनानी शुरू कर दी कि डेथ के बाद क्या होगा, किस प्रकार के औजार चाहिए। तो औजार वहाँ पर ग्रेव्स के आसपास मिलने का मतलब ये होता है कि उनको लगता था कि इन औजारों की आवश्यकता जीवन में थी, उसी प्रकार से मरने के बाद भी रहेगी। तो ये सब कॉस्मोलॉजिकल बिलीफ सिस्टम है, ये बिलीफ सिस्टम है जो मीनिंग देते हैं इस एक्सपीरियंस को, यानी कि डेथ को समझने की एक प्रकार की ये कोशिश है, इट इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डेथ, और यही सब हमें इन बैरियल से जानकारी मिलती है। लेकिन क्या ये दुनिया की सबसे पुरानी बैरियल साइट है? जी नहीं, दुनिया में अभी इससे भी पुरानी बैरियल साइट्स डिस्कवर हो चुकी हैं, स्पेसिफिकली मिडल ईस्ट में, इसराइल में। तो इसराइल में एक जगह है सखूल केव, माउंट कार्मल के पास में स्थित है, जगह का नाम है कब्जे केव और नजारत शहर के पास में है। तो इतना सब याद नहीं रखो आप, तो केवल ये माउंट कार्मल याद रख लेना, एक पहाड़ है जिसकी थोड़ी सी क्रिश्चियनिटी में भी इंपॉर्टेंस है। तो माउंट कार्मल पहाड़ के पास में 90,000 से 1,30,000 साल पुराना बैरियल साइट मिला है, और यहाँ से हमें कुछ स्कल्स मिले हैं, और इनको कहा जाता है स्कल होमिनिन, और ये वाला एक और है कब्जे होमिनिन, इसको कहा जाता है। तो ये वाली हड्डियाँ इस अफ्रीका वाली साइट से भी पुरानी है। और अभी हाल ही में डेड सी जो इसराइल में स्थित है वहाँ से दुनिया का सबसे पुराना बास्केट भी मिला है वहाँ पर एक गुफा से। तो इस एरिया में थोड़े और पुराने साइट हमें मिलते हैं। लेकिन आपको ये तो मालूम होगा कि इंसान की शुरुआत या इंसान की उत्पत्ति अफ्रीका से होती है, तो अफ्रीका में अभी तक इतनी पुरानी साइट्स नहीं मिली है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा रिसर्च बायस है,
बायस इस मामले में कि इन एरियाज में ज्यादा एक्सप्लोरेशन किया गया है, जैसे कि मिडिल ईस्ट या सेंट्रल एशियन देशों में भी। अफ्रीका में अभी इस प्रकार का एक्सकेवेशन काम थोड़ा सा कम हुआ है कंपैरेटिवली। जैसे अब इससे पहले जो पुरानी साइट मानी जाती थी वो अफ्रीका में थी, तो वहां पर लगभग 48,000 to 60,000 ईयर्स के बीच में पुराना बैरियल था। अब यहां पर ये लेटेस्ट डिस्कवरी हुई है, हो सकता है आने वाले कुछ सालों में और नई डिस्कवरी हो तो टाइम पीरियड थोड़ा और पुश हो जाए। तो डेफिनेटली अफ्रीका में अभी और इस प्रकार के रिसर्च की आवश्यकता है। थोड़ा सा रिफ्लेक्ट, ये बायस को रिफ्लेक्ट करता है कि अभी अफ्रीका में कम रिसर्च हुआ है और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा रिसर्च हुआ है। पॉज करके यहां पर इस लाइन को पढ़िएगा, मैं समझाऊंगा नहीं, कुछ चीजें पढ़ने के लिए होती हैं, पढ़ के इसको समझिए। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको इन दोनों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारी फ्री टेस्ट सीरीज है, उसको ज्वाइन कीजिए, अपना स्कोर बढ़ाइए प्रीलिम्स में। आपको केवल एक अनलॉक कोड महिपाल यूज करने की आवश्यकता है टू ज्वाइन दिस फ्री टेस्ट सीरीज। अगर आप 2022 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी कुछ स्पेशल ऑफर्स हैं जिनको हमने कंटिन्यू किया है। पहला मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर, जिसके तहत आपको एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिलेगी जुलाई 2022, या दो साल का कोर्स ले रहे हैं तो जुलाई 2023 तक प्रिंटेड मटेरियल, किताबें पूरी तरह से यहाँ पर फ्री मिलेगा आपको सब्सक्रिप्शन के साथ। तो ऑनलाइन क्लासेस तो हैं ही, साथ में प्रिंटेड जीएस का पूरा मटेरियल भी मिलेगा। और ऑनलाइन क्लासेस दो प्रकार की हैं, एक में प्लस कोर्स है, प्लस सब्सक्रिप्शन है, जहाँ पर आपको केवल क्लासेस मिलती हैं, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको क्लासेस के साथ एक पर्सनल मेंटोर मिलते हैं जो आपको डे टू डे गाइड करेंगे, आपके जीएस मीन्स आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे। इन सभी कोर्सेज को परचेस करते समय अगर आप महिपाल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो यू डोंट हैव टू पे दीज प्राइसेस, यू विल गेट द कोर्स फॉर दिस प्राइस, ठीक है। तो ये वाला प्राइस रहेगा 10% डिस्काउंट के साथ, ये चौथा ऑफर है। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा ये है कि अब आपको सीधा बैच ज्वाइन करना है, हर महीने यहाँ पर रेगुलर बैचेस बनते रहते हैं। तो जो अभी लेटेस्ट बैच चल रहा है बायलिंगुअल का, उसमें आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस मेरे द्वारा ली जा रही है, 8 बजे रात को क्लास होती है। तो अगर आप इन बैच कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप आर्ट एंड कल्चर मुझसे वहां पर पढ़ सकते हैं। ऑप्शनल के लिए भी यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल हैं, कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑप्शनल प्लस जीएस का जो कंबाइंड कोर्स है उसको आप अवेल कर सकते हैं। ये प्राइसेस पे मत कीजिए, 10% डिस्काउंट ले लेना महिपाल कोड लगाकर। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, इन सभी एग्जाम्स के लिए unacademy.com पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो डू गो एंड चेक देम आउट, एंड यू हैव टू पे दिस प्राइस आफ्टर अप्लाइंग द कोड। रविवार को कॉम्बैट आ रहा है, कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए, और ये सारे सब्सक्रिप्शन आपको स्कॉलरशिप के रूप में मिल सकते हैं, आपको फ्री भी मिल सकते हैं। पूरी स्कॉलरशिप के रूप में आपको ये सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा अगर आप टॉप रैंक्स लेकर आते हैं, और टॉप 500 रैंकर्स के लिए कोई ना कोई स्कॉलरशिप का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। इसमें रजिस्टर कीजिए महिपाल कोड यूज़ करके, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री, और आप इस कॉम्बैट को हिंदी में भी दे सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये चलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।